जो करना है कर ले, कार्यालय हमारा यहाँ रहेगा। आय पूछने के लिए कि अलॉटमेंट है कि नहीं, हमने रजिस्ट्रियो साहब से बात कर लीजिए, हम कल उनको बता दिए थे, इसको निर्धारित कर ले, चूंकि उनके पास समय नहीं था, हम बाध्य होकर के आज हम बैठे। जब सैया भये कोतवाल तब काहे का डरना, इस कथन को बिल्कुल सही साबित किया है सत्ता के नशे में चूर झारखंड कांग्रेस के बोकारो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता ने। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद शामिल है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने गुंडागर्दी दबंगई दिखाते हुए जबरन बोकारो स्टील लिमिटेड के क्वार्टर पर कब्जा कर दिया। इतना ही नहीं, क्वार्टर पे अवैध रूप से कब्जा करने के बाद उस पर कांग्रेस का झंडा और बोर्ड लगा दिया, उसे कांग्रेस कार्यालय के रूप में उस क्वार्टर को तब्दील कर दिया। जैसे ही इस मामले की जानकारी बीएसएल प्रबंधन को लगी, वो उस क्वार्टर के समीप गए और उस पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले कांग्रेस के बोकारो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता से इस बाबत लेटर की मांग की, आपने कैसे इस क्वार्टर पर आखिर कब्जा कर लिया। उमेश गुप्ता ने यह कहा कि मैंने तो आवेदन दिया था, आवेदन में आपने विलंब किया, मैंने चास एसडीओ को जानकारी देने के बाद यहां कब्जा कर लिया है। हम सार्वजनिक ये कांग्रेस पार्टी का जिला कार्यालय हम खोले हैं और उनके पास समय नहीं था, अब ये 41 नंबर जिला कार्यालय के नाम से अलॉट कर ले, जो करना है कर ले, कार्यालय हमारा यहाँ रहेगा और कांग्रेस का कार्यालय 41 नंबर सेक्टर 1 में रहेगा, इसको निर्धारित कर ले, चूंकि उनके पास समय नहीं था, हम बाध्य होकर के आज हम बैठे, चूंकि हमारा लगातार कार्यक्रम है, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं और हम मीटिंग कर पा रहे कहीं। क्या आज आप लोगों ने ताला तोड़ा है या फिर इसको? नहीं नहीं, खुला था, कोई तोड़ता नहीं, खुला हुआ था। प्रशासन के लोग आए थे क्या? वो आए पूछने के लिए कि अलॉटमेंट है कि नहीं, हमने रजिस्ट्रियो साहब से बात कर लीजिए, हम कल उनको बता दिए थे कि 41 नंबर है, हम पूरा विधिवत लिखित रूप में भेजे हुए, व्हाट्सएप में दे दिए हैं, वीडियो करके भेजे हैं कि पूरा आवास खाली पड़ा हुआ, कल इसमें हम बैठेंगे और इसी को कार्यालय के रूप में हम कल चालू करेंगे, तो हम कर दिया आज। हम अपने प्रदेश में भेज चुके हैं, माननीय मंत्री जी को भेज चुके हैं, सबको बता दिए हैं, सभी जगह सूचना कल हम दे चुके थे। सत्ता के नशे में चूर एक जिला अध्यक्ष ने जिस प्रकार के कारनामे को अंजाम दिया है, ये पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग यही कह रहे हैं कि जब सैया भये कोतवाल तब काहे का डरना। उनकी सरकार है और सरकार में शामिल दल के नेता की गुंडागर्दी साफ तौर पे देखने को मिली। जिस क्वार्टर पर कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, बोकारो के जो जिला अध्यक्ष है उमेश गुप्ता, उन्होंने कब्जा किया है, दरअसल उस क्वार्टर को बीएसएल प्रबंधन के द्वारा एक अधिकारी को आवंटित किया गया था। सत्ता के नशे में चूर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष एक क्वार्टर पर कब्जा कर लेते हैं और उसे अपने कांग्रेस कार्यालय के रूप में तब्दील कर देते हैं। देशवाणी न्यूज के लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवाणी न्यूज का मकसद नहीं, देशवाणी न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।